नमस्कार, बीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूँ आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बलरामपुर के एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान में तब हल्ला गुल्ला मच गया जब दुकान से लिए एक कोकोला के बोतल में गुटके का कचरा मिला। इसे देखते ही लोगों में खलबली मच गई, लेकिन ग्राहक ने इस कोकोला के बोतल को वहीं खोला, सबको दिखाया तो सब देखकर दंग रह गए। कोकोकोला का यह छोटा पैक जुलाई 2021 तारीख की पैकिंग है और ये जलपाईगुड़ी में पैकिंग हुआ है। ग्राहकों ने इसको लेकर कंपनी के कई लोगों से शिकायत की, लेकिन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी अधिकारी ने इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसको लेकर ग्राहक ने काफी नाराजगी जताई है। ग्राहकों ने बताया कि कोकोकोला एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन सामान की गुणवत्ता से खिलवाड़ हो रहा है, जो लोगों की सेहत और मानवता से खिलवाड़ हो रहा है। ग्राहकों ने आगे बताया कि इससे कोकोकोला को लाखों करोड़ों लोग शौक से पीते हैं, लेकिन इस तरह का कोकोकोला कोई भी पी ले तो लोगों के सेहत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ग्राहकों ने सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग की है। इस संबंध में दुकानदार ने बताया कि मेरे दुकान में कुछ युवक कोकोकोला पीने आए थे, जिसमें 5 कोकोकोला के छोटा बोतल दिए, जिनमें एक बोतल में गुटखा का कचरा मिला। ऐसा मामला मेरे दुकान में पहली बार हुआ है, इसको लेकर मैं डिस्ट्रीब्यूटर को सूचना दिया हूँ। ये देखिए, यही है गुटखा का पैकेट, यही तंबाकू है, तंबाकू का पैकेट है, देख लीजिए साफ नजर आ रहा है। और ये देखिए, और मान के लिए ये अगर कोल्ड ड्रिंक्स अगर कोई भी बच्चा अगर पीता है तो शायद उनका जान भी जा सकती थी। तो इस तरह का लापरवाही, हम तो यही चाहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले, इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इस तरह का लापरवाही नहीं कर सकता है ना। कौन सा कंपनी? कोकोकोला है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी, इसका डेट भी मतलब करेंट डेट है जुलाई का है ना सतम भाई? 7 जुलाई 2021 बताइए। और मैन्युफैक्चर इसका जलपाईगुड़ी का है, डिस्ट्रीब्यूटर शायद इसका कटिहार है। दिल्ली में आज 207 प्राइवेट शराब की दुकानों का आखिरी दिन है। 1 अक्टूबर से इन प्राइवेट दुकानों के लिए लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 16 नवंबर तक केवल 372 सरकारी शराब की दुकानों से ही शराब और बियर की सेल होगी। 17 नवंबर से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की नई 849 प्राइवेट दुकानें ओपन होना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।